नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। भूलकर भी खाने के बीच में ना पिए पानी, सेहत पर पड़ सकता है भारी। बहुत सारे लोगों को खाना खाते वक्त बीच में पानी पीने की आदत होती है, वहीं कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो जल्दी अपनी इस आदत को बदल लीजिए। हाल ही में एक रिसर्च को लेकर खुलासा हुआ है कि खाना खाते वक्त पानी पीना हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कई लोग जब लंच पर डेट पर जाते हैं, कई बार जब भी लोग बाहर लंच डेट पर जाते हैं तो ऑर्डर में पिज्जा, भटूरे, बर्गर और खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पीते हैं, लेकिन ये आपके पेट के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल खाने के बीच में पानी या किसी तरह का सॉफ्ट ड्रिंक पीना आपके सेहत के लिए सही नहीं होता। सॉफ्ट ड्रिंक पीने की वजह से आपने जो भी खाया है वो पच नहीं पाता। इतना ही नहीं, आपकी प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर पड़ता है। जब भी आप खाने के बीच में पानी पीते हैं तो शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है, जो सीधे हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इससे पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और हमारे शरीर में वसा का जमाव होने लगता है। खाने के बीच में ज्यादा पानी पीने से खाने की पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, खाना ज्यादा देर तक हमारे पेट में रहता है, एसिडिटी होने लगती है। इतना ही नहीं, इस आदत से खून में ग्लूकोज के बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। सेहत से जुड़ी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।